पैसा नहीं, क्या मतलब ये क्या कि इंसान का जमीर मर गया है? जाके प्रिंसिपल को बुला लाया, हमको एकदम दंग रह गए, हम आज तक उससे बात नहीं करते। अब पता नहीं हमारा कितना जन्म बचा है, लेकिन जितना जन्म बचल रहेगा ना बतियाएंगे। इतना तकलीफ हुआ था हमको जिसका कोई हद नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार को डराने के लिए नहीं, सरकार को गिरा देने के लिए। आप अगर आप ऐसे ही सोचिए, आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाए हैं और बच गया, अगर वो बच गया जेब का साइज बड़ा करेगा उसे साथ नहीं, लोकसभा में रहेगा तब उठा लेगा, ले सोचा पास काय कर रहा, पहले ही जेबी बीटो लगा देते हैं। इसलिए सबसे खिलवाड़ नहीं किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत, दुश्मनी हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट अपना लालछन लगा रहे हैं उसके ऊपर। जैसे समझिए ना, किसी का बचपन में होता होगा किसी का कॉपी चोरी हो गया तो सबका बैग चेक करो, लेकिन अगर कहे कि नहीं हमको इसी पे डाउट है, अगर उसमें कॉपी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तू बाहर निकल। अरे हमको आज भी, हम क्लास 6 में पढ़ते थे तो एक तो मेरे बगल वाले का टिफिन गायब हुआ था, वो हमरे पे आरोप लगा दिया यही टिफिन लिया होगा। और उसका टिफिन वहाँ अच्छा था, उतनी अमीर टाइप का आदमी था, स्टील वाला टिफिन था खूब अच्छा, इसे स्टील वाला नहीं होता है, साइड में एक बकुली टाइप का होता है इसे बंद करने वाला, अंदर वहाँ एक छोट टिफिन होता है। हम लोग को वो हरेक माल 10 रुपया वाला प्लास्टिक वाला टिफिन वहाँ था, रद्द खाना हो जाता था उसमें, उसको लगा हम लोग चुराए। अजब हाल है यार, पैसा नहीं, क्या मतलब ये क्या कि इंसान का जमीर मर गया है, ऐसे रह गया, लेकिन उसको लगता था कि यही चुराया होगा। जाके प्रिंसिपल को बुला लाया कि हमको पूर्ण विश्वास है यही चुराया होगा। हमको एकदम दंग रह गए, हम उसको 5-10 मेरा बैग चेक हो रहा था, हम उसको देख रहे थे। मतलब बड़ा अजीब सा लगा यार कि तुम एक पास के हैं, तुम मेरा खुद से चेक कर सकते थे, तुम प्रिंसिपल को बुला लाया, आज तक उससे बात नहीं करते। आज तक पड़ोसे का है मेरे, क्योंकि अमूमन आदमी उसी स्कूल में पढ़ता हो, आज तक नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं हमारा कितना जन्म बचा है, लेकिन जितना जन्म बचल रहेगा ना बतियाएंगे। हम बीच का रास्ता ही नहीं जानते, या तो दोस्ती या तो देखेंगे भी नहीं। दुश्मनी तो छोटी चीज है, देखना भी पड़ता है, देखेंगे तक नहीं। हम दुश्मनी के लिए भी उसे याद रखना पड़ता है, दिल में नहीं लेकिन दिमाग में जगह देना पड़ता है, कहीं जगह नहीं देंगे आप। अजब हाल हो गया था, सोचा बड़ा उटपटांग टाइप का आदमी है। ऐसा नहीं है, जो दोस्त साथ के थे उनके लिए तो आदमी अभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बड़ा खराब लगता है। तो इसलिए समझ कीजिए, मेरे लिए वो क्या था, अविश्वास प्रस्ताव। मेरे लिए क्या था, अविश्वास। अविश्वास प्रस्ताव में हम बच गए थे। अब प्रिंसिपल कह रही थी कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जब आप स्कूल में रहते हैं 5 घंटा स्कूल में ना क्लास चलता है, और धीरे धीरे स्कूल प्रिंसिपल सब जानते रहता है आपको, कह रहा था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है यहाँ पे। अरे मारेगा आदमी नहीं ना भाई, उस समय गुट उट होता है, उसका गुटो मजबूत था, मारते तो धो देता हमको। लेकिन हम कहे थे कि समय आएगा जीवन में ना तो कभी ना कभी तुम्हें बताएंगे हम, यहाँ पर मत पूछिए। आगे बढ़ते, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था बाबू, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन हम बस इतना कहेंगे ना कि समाज में ना अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हुए हैं, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। गलती उसकी नहीं थी, समाज ने जो धर्रा बना के रखा है ना वही है आप। इतना तकलीफ हुआ था हमको जिसका कोई हद नहीं। क्लास 6 के लड़का को क्या समझ में आता है, हाफ पैंट पे अपनी स्कूल चल जाता था, क्लास 6 में वही ना रहता है, लेकिन उस समय से नहीं होगा। गरीबी सबसे बेशरम चीज है, उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है यहाँ पे, लेकिन बड़ा खराब लगता है ये सब चीज का। अरे चुचा तूने 10 रुपये वाला टिफिन वहां मब्बो रखे, कोई बात नहीं, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कभी किसी का पलट के जवाब नहीं दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बुलंदी पे जाइएगा ना कि सहनशाह को भी आपकी बुलंदी देखने के लिए जब सर उठाए तो उसका ताज नीचे गिर जाए। मेहनत कीजिए जी जान लगा के, यहाँ पर बहुतों के साथ होता है, खास करके ना अपने गोतिया अगल बगल वाला ज्यादा नाटक करता है, सुबह इस चट्टन को बहुत ही दिक्कत होता है यहाँ पर, एक से एक नौटंक। कल एगो लड़का आया था, उसका चाचा के ऊपर केस कर दिया था, हमके कब हुआ था, अभी हुआ है, हमके भाग पीएमसीएच से जल्दी यहाँ पर, जब ये भाग वहां पे इलाज करा तुम यहाँ पे, गया तुरंत पेट दर्द का बहाना लेके घुस गया इमरजेंसी, 5 रुपया का पर्ची कटाया, हो गया काम खत्म, एक से एक रहता है सब। तो अविश्वास प्रस्ताव खिलवाड़ नहीं है बाबू, अविश्वास प्रस्ताव खिलवाड़ नहीं है। आप किससे दुश्मनी ले रहे हैं, सरकार।
महाभियोग खिलवाड़ नहीं है। और सोचिए ना अगर महाभियोग ला दिया बच गया तो। ये वही हाल है किसी पे गोली चलाए अब बंदूक जाम हो गया। अरे बाप रे बाप, ओके बाद का हाल करेगा छोटा कहीं का। तुम निपटा रहा था रे हमको, हमको निपटा रहा था तुम, बंदूक जाम हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ तुम लोग एक्स्ट्रा हंस रही है लोग।